यहाँ टेस्ट नंबर जो हमारा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ आवर टेस्ट नंबर 2 ऑफ टेंसेस। तो इसमें देखें सबसे पहले 116 में कि ओवर केम लिखा हुआ है, तो पीछे है इनकाउंटर्स, जैक इनकाउंटर्स मैनी हैजर्ड्स बट ही ओवर केम देम एंड कॉन्टिन्यूज। आगे भी प्रेजेंट है, पीछे भी प्रेजेंट, तो दरमियान में पास्ट कैसे आ गया, ये भी तो प्रेजेंट ही चाहिए था। तो ही ओवरकम्स, ही रिक्वायर्ड था, ही ओवरकम्स देम एंड कॉन्टिन्यूज हिज क्वेस्ट टू डिफीट। तो गौर करें, हमें प्रेजेंट का सीक्वेंस चल रहा है कि बहुत सारे उसको हैजर्ड्स का सामना हुआ, उसने काबू पाया और वो जारी रहा, कंटिन्यू करता रहा, तो सारा कुछ प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट चाहिए, हमें प्रेजेंट के सीक्वेंस में पास्ट नहीं घुसाना। तो आई डू होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। जहाँ कोई प्रॉब्लम लगे तो आपने मुझसे वो क्वेश्चन फौरन कर लेना है जी। 117 में लैंडिंग कर रहे हैं जी। तो आई प्लॉट दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट हैड एवर प्लोड। ओह, गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि इट हैड प्लोड, हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस लगा हुआ है, हैड बीन प्लोड होता तो वो पैसिव वॉइस होता, लेकिन हमें एक तो पास परफेक्ट ही रिक्वायर्ड नहीं है। पास परफेक्ट क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, ना उसके एक्टिव ना पैसिव, क्योंकि पास परफेक्ट वो एक्शंस होते हैं दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट, जो माजी के किसी और काम से पहले कंप्लीट हुए होते हैं, वो हमारे पास परफेक्ट होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि इट हैड एवर प्लोड क्या किसी और काम से पहले कंप्लीट हुआ है? गौर करें, मैंने इस पहाड़ पर हल मवेशियों की मदद से हल चलाया जब पहली मर्तबा इस पर हल चलाया गया था। कितनी मर्तबा हल चला इस जुमले में, एक मर्तबा के ज्यादा मर्तबा बोले, वो एक मर्तबा चला है, वो एक मर्तबा चला है। वो कहता है कि जब पहली मर्तबा हल चलाया गया तो वो हल मैंने चलाया था, इसका मतलब पहली मर्तबा जो हल चला था उसी की बात हो रही है। वो कहता है वो मैंने चलाया था, तो जब हल ही यहाँ एक मर्तबा चला है तो इसका मतलब है कोई काम दूसरे काम से पहले कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो कहता जब पहली मर्तबा हल चला वो मैंने काम ही एक दफा हुआ है, वो जो पहला चला था वो हल, कहता जो पहला चला था वो मैंने चलाया था। यहाँ ये जो प्लोड है और ये जो प्लोड है ये एक ही प्लोड है, ये एक ही हल चला हुआ है। तो जब कोई काम दूसरे काम से पहले हुआ ही नहीं तो पास परफेक्ट भी हम नहीं दे रहे होंगे। तो दैट मीन्स टू से कि हमें यहाँ हैड प्लोड नहीं यूज करना, बल्कि हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट लगाता हूँ तो इट एवर प्लोड, इट एवर प्लोड नहीं, इट वॉज एवर प्लोड, मतलब जब पहली मर्तबा इस पर हल चलाया गया था। हमें पैसिव वॉइस देना है, इट एवर प्लोड मतलब इसने हल चलाया, ना इस पर हल चलाया गया, जमीन ने हल नहीं चलाना, जमीन पर हल चलाया जाना है। तो हमें पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस देना है। तो आई डू होप कि आपको मेरी ये बात भी पल्ले पड़ गई होगी कि हमें पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस जो है वो क्यों लेना है इधर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो 118 पर हम अपनी लैंडिंग कर रहे हैं जी। आई सॉ अ वेरी नाइस जैकेट इन फ्रैंकफर्ट एट द वीकेंड बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी विद मी सो आई बॉट, आई हैवंट बाइट, हैज नॉट, हैव नॉट के बाद मुझे एक बात आपने वाजे करनी है, हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? सादा सी बात बताएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्या जी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म। अच्छा, माइक्स अपने फौरन ऑफ कर लिया करें ताकि वो जो शोर वगैरह है वो ना आया करे बाद में। तो थर्ड फॉर्म आनी है तो इसका मतलब है कि हैव नॉट बाय गलत है, ग्रामेटिकली शक्ल से गलत नजर आ गया हमें कि वो गलत लगा हुआ है। और अगर वो गलत लगा हुआ है तो हमें हैज हैव चेंज करना है, बाय को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बाय को क्यों नहीं चेंज पा रहे, बाय तो अंडरलाइंड ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ना है, इधर कुछ ना कुछ और लगाना पड़ना है। सो आई डिड नॉट बाय, देखो वो कहते हैं मेरे पास रकम नहीं थी इसलिए मैं इसको खरीद ना पाया, और डिड नॉट ही क्यों लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट बन गया ना, डिड नॉट बाय से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन गया क्योंकि पीछे भी डिड नॉट था। आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने खरीदी नहीं। तो देखो जब पैसे नहीं थे, साइमल्टेनियस एक्शन, और मैंने कहा था साइमल्टेनियस एक्शन में हम सेम वर्ब की तरफ जा रहे होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने खरीदी नहीं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट हो गए, पैसे नहीं थे खरीदी नहीं। तो डिड नॉट हैव इनफ मनी, ये डिड नॉट हैव पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट बाय इट। तो ये रीज़न है कि जब हम 118 में भी डेल्टा की तरफ ही जा रहे होंगे।
119 पर लैंडिंग हमें जो है वो अब करनी पड़ेगी। तो 119 में आ गया जी, मीट्स वर प्रिजर्विंग। अच्छा, आई वॉज प्रिजर्विंग मैं महफूज कर रहा था, दे वर प्रिजर्विंग वो महफूज कर रहे थे, मीट्स वर प्रिजर्विंग गोश्त महफूज कर रहे थे, गोश्त महफूज कर रहे थे कि गोश्त महफूज किए जा रहे थे या किए जाते थे, क्या एक्टिव वन है कि पैसिव वन है? पैसिव वन है, पैसिव पैसिव। इसका मतलब हमें या तो ये लगाना है कि मीट्स वर बीइंग प्रिजर्व या मीट्स वर प्रिजर्व। मीट्स वर प्रिजर्व पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसे हो जाएगा कि गोश्त महफूज किए जाते थे, और मीट्स वर बीइंग प्रिजर्व हो जाना था, गोश्त को महफूज किया जा रहा था बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ। कब किया जा रहा, कैसे किया जा रहा था, सॉल्टिंग या ड्राइंग करके या फ्रीजिंग करके, जब वेदर काफ़ी ठंडा होता था, बर्फबारी हो रही होती थी तो फ्रीज कर लेते थे। तो देखो, गोश्त महफूज नहीं करता था, गोश्त को महफूज किया जाता था। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो तो जुमला एक्टिव वाइज, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा तो जुमला पैसिव वाइज। तो सब्जेक्ट तो यहाँ एक्शन नहीं कर रहा कि गोश्त महफूज कर रहा था। आई डू होप कि ये भी पल्ले पड़ गई। 120 पर लैंडिंग करते हैं। कोई क्वेश्चन आए तो आपने बेटा दरमियान में मुझे बात कर लेनी है, आई वुड बी देयर टू मीट योर रिक्वायरमेंट। 120 पे लैंड कर गया जी। आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द पास्ट हाफ एन आवर बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। गौर करें, फॉर द पास्ट हाफ एन आवर, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, और सिंस फॉर के बाद टाइम आ जाए, सिंपल कॉन्टीन्यूस यूज नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज होता है, और हमें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज करना है क्योंकि प्रेजेंट की बात है। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम जवाब नहीं दे रहे, तो प्रेजेंट की बात है। तो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर द पास्ट हाफ एन आवर, सिंपल कॉन्टीन्यूस नहीं आना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आना है क्योंकि सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया। तो ये बात भी आई डू होप के पल्ले पड़ गई होगी कि आई एम टॉकिंग क्यों गलत है और हैव बीन टॉकिंग क्यों आना है। 121 पे लैंडिंग करते हैं जी। 121 के है जी, द पेरेंट हुम आई हैव ऑफेंडेड यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर टर्म ऑफ ईयर्स। कम्स प्रेजेंट है, इनडेफिनेट है, एंड हैज टोल्ड मी, क्यों आएगा यहाँ भी तो टेल्स लगाओगे। अच्छा, मैं आपको एक सादा जुमला देता हूँ। ओके, ही कम्स एंड टीच इंग्लिश के ही कम्स एंड हैज टॉट इंग्लिश। ही कम्स एंड टीच इंग्लिश के ही कम्स एंड हैज टॉट इंग्लिश। बोले हैज टॉट, अच्छा वो आता है और इंग्लिश पढ़ाई है कि वो आता है और इंग्लिश पढ़ाता है, उर्दू में सीखते हैं, पढ़ाता है। तो फिर टेल्स लगाएंगे ना, ही कम्स एंड टेल्स, हैज टॉट तो नहीं लगाएंगे? नो सर। तो बेटा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह इधर अगर आप लगा रहे हैं कि जो आप जुमला देखो कि कम्स आफ्टर अ टर्म ऑफ इयर्स के एक पूरा साल गुजरने के बाद वो आते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स आता है एंड टेल्स मी और मुझे बताता है, ये तो नहीं कहना कि वो आता है और मुझे बताया, आता है और मुझे बता चुका है, भी आता है और मुझे बताता है। एंड आ गया ना, तो एंड सिमिलर आइटम्स को ज्वाइन करता है, तो इधर अगर प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही चलता रहेगा। बात पल्ले पड़ गई? यस सर, यस सर। इधर आ गया था यस्टरडे, यस्टरडे देखकर लगता है क्लीन बिल्कुल ठीक है, बीटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक रोला पड़ गया जी, बाय लगा हुआ है। अच्छा, बाय लगने से क्या हो गया कि हमें आई क्लीन नहीं लगाना, आई हैड क्लीन लगाना जो ये दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ा, क्या मसला पड़ा कि हमें बाय यस्टरडे के साथ हैड क्लीन लगाना पड़ गया? कोई आप में से बयान कर सकता है, कोई भी? सुमन बुकमन उमयन फाउम लायर जी उन, चले मैं समझाता हूं बेटा जी। आपने टेंस चार्ट पढ़ा था, चले मैं टेंस चार्ट आपके लिए ना खोल भी देता हूं। तो ये आ गया टेंस चार्ट आपके सामने। टेंस चार्ट में आपने एक मज़े की चीज़ सीखी है, इसमें ना मैं फ्यूचर को ज़रा जो है वो आपके सामने ज़्यादा जो है वो हाईलाइट कर लेता हूँ। आपने देखा कि टुमारो आ गया, अगर नेक्स्ट डे आ गया या इन अ डे इन अ वीक, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा रहे होते हो। माय फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो, टुमारो आ गया तो विल कम टू मीट मी टुमारो, ऐसे ही करते हैं ना। तो टुमारो है, कल मिलने आएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में लैंडिंग करो,
अगर इसी फ्यूचर टाइम के साथ, मतलब इस टुमारो के साथ, नेक्स्ट के साथ अप टिल आ जाए, बाय आ जाए या टिल आ जाए, उसी फ्यूचर टाइम के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हो। देखो इधर आ गया टिल टुमारो, या इधर बाय टुमारो भी आ जाता तो आप विल रीच नहीं लगा रहे, विल हैव रीच लगा रहे हो। बात पहले पढ़ रही है ना, बाय कमिंग मंथ लग गया, बाय कमिंग मंथ, फ्यूचर टाइम के साथ बाय लग गया है तो असलम विल मैरी नहीं लगा रहे हो, विल हैव मैरिड लगाओगे। लेकिन अगर इधर बाय ना होता, इधर होता इन द कमिंग मंथ होता तो असलम विल मैरी इन द कमिंग मंथ, लेकिन उसके बजाय बाय आ गया है फ्यूचर टाइम के साथ तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हो। इसी तरह बच्चे इसके साथ भी यही माजरा आपको करना पड़ेगा। क्या माजरा करना पड़ेगा कि बाय आ गया यस्टरडे के साथ, अब आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्यूचर टाइम के साथ बाय आ गया तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं कर पाया, फ्यूचर परफेक्ट यूज किया। इसी तरह पास्ट टाइम के साथ अगर बाय आ जाए तो आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं कर पाएंगे, आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई हुआ। क्यों? बाय यस्टरडे का मतलब है कि ये काम उस वक्त तक परफेक्ट होना है, मुकम्मल होना है, कंप्लीट होना है। बाय का मतलब है डन, उस वक्त तक, बाय यस्टरडे कल तक, मतलब कंप्लीट जी। और अगर ये बाय ना आता, अकेला यस्टरडे होता, यस्टरडे इवनिंग आई क्लीन्ड द होल डाउनस्टेयर्स, तो यस्टरडे इवनिंग आ गया आई क्लीन्ड, मैंने साफ किया। ठीक है जी, मेरी आपको मेरा ख्याल है कि ये बात पल्ले पड़ गई होगी। ठीक हो गया? यस सर। चले, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट आते हैं 123 पर, हम अपनी लैंडिंग करते हैं। 123 में है, पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स एंड टोल्ड इट इन द मैनर ऑफ सोल्जर, ये सोल्जर है, हु वाज ऑन अ कैंपेन। अच्छा जी, दो काम अगर आप देखें तो हुए इधर एंड के बाद। टोल्ड इट, इसको बताते थे एक सिपाही के अंदाज में, हु वाज ऑन अ कैंपेन, जो कि अपनी किसी मुहिम पर था, जो अपनी किसी मुहिम पर था। मुझे बताइए क्या ये दोनों काम साइमल्टेनियस हुए, जब वो जो एक सिपाही के अंदाज में बताते थे जो अपनी कैंपेन पर था, बताना और मुहिम पर होना क्या एक ही वक्त में वाकई हो गए थे कि ये आगे पीछे वाकई हुए? बोले जरा, बताना आगे पीछे वाकई हुए, कौन सा काम पहले हुआ है, पहले बताया कि पहले कैंपेन हुई, मुहिम हुई? सर पहले मुहिम हुई, पहले मुहिम हुई। जैसे एक शिकारी है ना, वो शिकार पे जाता है तो वो अपनी कहानियां बाद में बताता है, पहले वो शिकार पे गया होता है, शिकार के आके कहानी बताता है, मैंने एक शेर को देखा, शेर ने मुझे देखा, हमने एक दूसरे को देखा, तो वो बड़ी सनसनी फैला रहा है। वो जो देखा दिखाना था वो पहले हो चुका था, मुहिम पहले हो चुकी थी, बताया बाद में जा रहा है। तो दोनों काम माजी के हैं, टोल्ड भी माजी का और कैंपेन भी माजी में हुई। दोनों में जो पहले हो, माजी के दो कामों में वो जो पहले हो, वो पास्ट इंडेफिनेट होता है कि पास्ट परफेक्ट होता है? बोलो बोलो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज को पास्ट परफेक्ट करेंगे मरने को कि पास्ट इंडेफिनेट करेंगे? When the doctor arrived, the patient died, he had died. Past. बताएं past indefinite. Past perfect होगा. Past perfect. Perfect. Past perfect. ये बात हमने कल सीखी थी, दोबारा समझ लीजिएगा कि माजी के दो कामों में अगर एक काम पहले हुआ है तो वो past perfect होगा, अगर वो simultaneous है तो दोनों past indefinite कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, campaign पर वो पहले था, कहानी उसने बाद में सुनाई, तो ये past perfect आना है। He had been on a campaign. अब अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर ये had been past perfect continuous हो गया, been आ गया ना, ये गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, had क्या नाम लेते हैं, past perfect continuous, क्यों टाइपिंग मिस्टेक है? कि had been past perfect ही है जी। देखो past perfect continuous में तो had been के बाद ing form भी तो आती है। He had been teaching here for a long time before his death. He had been teaching. तो टीचिंग भी तो आना था, क्या यहाँ कोई आई एन जी फॉर्म आई है आगे? और नहीं आई तो ये पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये पास परफेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है और बीन आपको पता है बी की थर्ड फॉर्म है, तो हैड और प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन, और हैड थर्ड फॉर्म पास परफेक्ट होता है, तो ये पास परफेक्ट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया पास परफेक्ट। तो आई डू होप कि आपको मेरी ये बात भी प्रॉपरली पल्ले पड़ गई होगी।
ठीक है बच्चों, सेंटेंस नंबर 124 पे लैंड करते हैं जी। वाइल पेंसिलिन वॉज बीन हेल्ड, आपको पता होना चाहिए वॉज वर्ग के साथ बीन नहीं आ सकता, हैज हैव के साथ बीन आता है जी, या विल हैव के साथ बीन लगा लो। अगर मैं विल हैव के साथ भी बीन लगाता हूँ तो हैव के साथ ही ना, वॉज वर्ग के साथ बीन नहीं आ सकता, ये डन है। वॉज वर्ग के साथ बी में से कुछ आ सकता है तो वो बींग हो सकता है, ठीक है जी। तो बीन गलत हो गया, तो बीटा में गलती है, ये तो वाजे है। तो फिर आना क्या था, वाइल शो करता है कॉन्टिन्यूटी, जब कोई काम जारी था, जैसे वाइल आई वॉज टीचिंग अ टेलीफोन कॉल केम, जब मैं पढ़ा रहा था एक फ़ोन आया, तो ये काम जारी होता है। तो वाइल पेंसिलिन वॉज बींग हेल्ड, पैसिव वॉइस बन गया जी। तो वॉज था, वॉज हेल्ड अगर हम लगाते हैं, फर्ज करो ये बीन निकाल देते हैं, तो तब होता है कि वाइल पेंसिलिन वॉज हेल्ड, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, पेंसिलिन को वेलकम किया जाता था। अब देखो वाइल जो है वो पास्ट किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी शो करता है, तो अगर कॉन्टीन्यूटी शो करता है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं चाहिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव चाहिए। तो वॉज बींग हेल्ड एज अ वॉन्टेड ड्रग, द नेम ऑफ हिज डिस्कवर वॉज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन। आई डू होप कि आपको ये बात मेरी पल्ले पड़ गई होगी कि यहाँ बींग क्यों आना है। 125 पे लैंडिंग कर रहा हूँ जी। द प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस दैट टैक्सीज आर टू इंक्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखें पास्ट परफेक्ट अभी हमने बात की, तब लगाते हैं व्हेन एक्शन हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट, माजी के दो कामों में कोई पहले हुआ, तो यहाँ तो माजी का काम ही कोई दूसरा शो नहीं हुआ। टैक्सीज ने तो आर टू इंक्रीज, अभी इंक्रीज होना है और साल के शुरू से शुरू होना है, इंक्रीज होना है, तो हैड अनाउंस क्यों लगाया जी हमने, क्योंकि क्या नाम लेते हैं, अगला काम जो है वो काम जो है वो तो अभी शुरू होना है, और पास्ट परफेक्ट लगाना ही तब है जब दो माजी के कामों से एक काम पहले हुआ, माजी का दूसरा काम तो आया ही नहीं, तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं आ सकता, तो हमें लगाना है, इधर भी प्रेजेंट देना पड़ेगा क्योंकि इधर भी प्रेजेंट है। तो चूंकि ये काम पूरा हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस, और क्या अनाउंस किया है कि टैक्सीज ने इंक्रीज होना है, तो ज़ाहर है ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, ठीक हो गया जी। आई डू होप कि आपको ये बात भी पल्ले पड़ गई होगी। 126 पर लैंडिंग करते हैं जी। तो 126 में हाउ लॉन्ग हैड यू नोन योर वाइफ व्हेन यू गॉट मैरिड। गौर करें दो माजी के काम हुए, एक शादी हुई है और एक जो है वो अपनी बीवी को जानता था। इस जुमले के मुताबिक वो अपनी बीवी को शादी से पहले जानता था, ऐसे ही है ना मीनिंग। बस सवाल किया जा रहा है कि जब तुम्हारी शादी हुई तो कितने अरसे से अपनी बीवी को जानते थे। माजी के दो काम है, शादी भी माजी में हुई, गॉट जानता था भी पहले से था, तो दोनों कामों में जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर माजी के काम दोनों साइमल्टेनियस हुए, अगर शादी अरेंज मैरिज थी तो शादी के बाद ही जानना है, तो हम तो फिर पास्ट इंडेफिनेटली लगा देते हैं दोनों जगह। लेकिन यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है कि कितना अरसा पहले से जानते थे, तो हमें क्या नाम लेते हैं, पास्ट परफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम पहले कंप्लीट होने के साथ दे रहा है दोनों कामों में। तो हैड यू नोन, पास्ट इंडेफिनेट नहीं आ सकता, डिड यू नो, हैड यू बीन नोन, पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, और क्योंकि हमें कह रहा तुम कितने अरसे से जानते थे, ये नहीं कि तुमको कितने अरसे से जो है वो जानकारी दी गई थी, वो तो मीनिंग नहीं है। और प्रेजेंट तो आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट से जो काम पहले हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, वो पास्ट परफेक्ट ही हो सकता है, ये तो डन है। 127 में लैंडिंग करते थे। फॉर अ व्हाइल ही वाज स्टक, स्टक्ड नहीं हो सकता, स्टक की तीनों फॉर्म स्टक 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 की होती हैं जी, जैसे पुट 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 है, कट 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 है, तो स्टक 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 की है जी, तो स्टक्ड नहीं आना, ठीक है। चार्ली में गलती है जैम डिजॉल्विंग, जो ट्रैफिक जैम है वो वॉज डिजॉल्विंग तो हो सकता है, आई टीचिंग इंग्लिश नहीं ना हो सकता, आई वॉज टीचिंग कहना है, तो यहाँ तो जैम वॉज डिजॉल्विंग कर दो भाई, जैम डिजॉल्विंग क्या मतलब हुआ। और डेल्टा में आते हैं ही वॉज स्टिकिंग, ही वॉज जो है स्टिकिंग, जो स्टिक होता है ना वो किसी चीज़ के साथ आपका स्टिक करना होता है, उसके साथ लगे रहना होता है, तो वो बेटा आपका जो है, चलो अगर मैं लगा भी देता हूँ तो आप खुद नहीं कर सकते। ही वॉज स्टिकिंग इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में स्टिकिंग कर रहा था भाई, वो कौन है ट्रैफिक में स्टिकिंग करेगा, वो खुद बेचारा फंसा हुआ था, हमें पैसिव वॉइस चाहिए, सादा सी बात है, ही वॉज स्टक, वो फंसा हुआ था, ये कि नहीं है कि वो खुद स्टिकिंग करता फिर रहा था, और वैसे भी स्टक की तरफ हम स्टक 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 की होनी चाहिए थी। 128 की बात आते हैं जी।
नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग, नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे, तो वॉज ड्राइविंग को आएगा, विल बी ड्राइविंग आना चाहिए था, अल्फा फौत हो गया। बीटा में लास्ट सैटरडे आ गया, लास्ट सैटरडे देखो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, वो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, हैड बीन ड्रिवन भी नहीं आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव लगाया गया, तो पास्ट परफेक्ट तो चाहिए नहीं, एक्टिव तो भी नहीं चाहिए, पैसिव तो बहुत दूर की बात है। हाँ लास्ट सैटरडे है तो आई वॉज ड्राइविंग, आप पास्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट ठीक है। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट क्यों ठीक होता है? पास्ट इंडेफिनिट जहाँ हो ना वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी ठीक होता है। देखो आई के मैं कह दूँ आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे, यस्टरडे के साथ आप दोनों काम कर सकते हैं। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश लास्ट मंथ, आई टॉट इंग्लिश लास्ट मंथ, तो ये जो यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, अगो है, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों ले जाते हैं। ऑल्दो हम अक्सर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, पर आ दोनों सकते हैं, और मैं आपको सबूत देता हूँ कैसे आ सकते हैं। वाज वर सेकंड फॉर्म ही है ना, तो आई वॉज ड्राइविंग में गौर करो, सेकंड फॉर्म तो आ गई जो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, आई वॉज, तो दैट इज़ वाई हम दोनों यूज़ कर जाते होते हैं, कोई इशू नहीं है। और डेल्टा में जो है लास्ट सैटरडे था, तो लास्ट सैटरडे के साथ एम क्यू नहीं लगा सकते, फौत हो गया। 129 में लैंडिंग करते हैं जी, तो द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो कोई हमें टेंस चार्ट का क्लू नहीं था कि जी कोई यस्टरडे हुआ फ्यूचर में हुआ, लेकिन जुमला ठीक है, क्योंकि विल वीव टेपेस्ट्रीज भी ठीक हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि कोई टेंस है ही नहीं, हमें पता नहीं कौन सा टेंस आना है, हम कोई भी लगाएं ठीक है। वीविंग नहीं आ सकता अकेला, देखो या तो वर वीविंग, वॉज वीविंग आता, डॉटर वॉज वीविंग, डॉटर वॉज वीविंग, डन हो गया। डेल्टा में क्या गलती हुई कि द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, टेपेस्ट्रीज होते हैं एम्ब्रॉयडरीज, वो जो कपड़े के ऊपर नक्श नगार बुने जाते हैं। सन्स प्ले, इधर वोव है सेकंड फॉर्म है, इधर प्ले है, तो पास्ट के बाद प्रेजेंट कैसे आ गया, वो तो काम मिट्टी हो गया, गलत है। 130 पे आते हैं, जॉनसन्स हैड मूव्ड 3 टाइम्स इन द लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, देखो पास्ट ईयर पिछला साल है, तो पिछले साल में हम हैड मूव्ड क्यों लगाएंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफर करेंगे, पास्ट परफेक्ट तो बिल्कुल गलत हुआ, तो आगे मूव करते हैं। पास्ट परफेक्ट तो तब होता है जो माजी के किसी काम से पहले हुआ, तो पास्ट ईयर, जैसे आई वेंट देयर इन द पास्ट ईयर, बिल्कुल ठीक है, पिछले साल में वहां गया। जॉनसन्स हैव मूव्ड 3 टाइम्स इन द नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर के साथ हैव क्यों आएगा, नेक्स्ट ईयर के साथ विल हैव आना चाहिए। डेल्टा की गलती पहले देख लेते हैं, पास्ट ईयर है ना, इन द पास्ट ईयर, तो विल हैव गलत है, तो विल हैव तो विल हैव फ्यूचर, तो फ्यूचर पास्ट, पास्ट ईयर के साथ कैसे आ गया। अब डेल्टा में भी आप सवाल करेंगे, सर पास्ट ईयर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा दिया, हैव मूव्ड क्यों लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट का ताल्लुक सीखना है जी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट अक्सर जगह पर इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि मीनिंग बड़ा करीब है। सिखाता हूँ, ये 129 सेंटेंस था ना जो मैंने अभी भी सिखाया आपको, आई टॉट यू सेंटेंस नंबर 129, आई हैव टॉट यू सेंटेंस नंबर 129, देखो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या कोई फर्क पड़ा है, आई टॉट यू सेंटेंस नंबर 129, आई हैव टॉट यू सेंटेंस नंबर 129, मैंने आपको सिखाया 129 नंबर जुमला, और मैं 129 जुमला आपको सिखा चुका हूँ, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा मीनिंग का फर्क पड़ रहा है, लेकिन यूज दोनों हो सकते हैं और एक ही तरह से हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, और दोनों ही करेक्ट हैं, है ठीक है ना, ऐसा ही है जी सर। यस सर। तो इसलिए बेटा जी, चूंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट तो मौजूद नहीं था, जॉनसन्स मूव्ड 3 टाइम्स इन द पास्ट ईयर, तो हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट ये दोनों करीब करीब के एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट है जो माजी में हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट है जो थोड़ी देर पहले हुआ, हो दोनों गए, पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया है। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ, पर हो तो गया ना, और पास्ट इंडेफिनिट अभी जो हो गया, तो हो गया जो अभी भी हो गया, हो तो दोनों ही गए ना, तो थोड़ा सा मीनिंग का जरूर फर्क है, पर अक्सर जगहों पर ये दोनों आ सकते होते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज वाई 130 में हमारा जो करीब तरीन ठीक है वो सी ही ठीक है। 131 में लैंडिंग करते हैं, इट श्योर हैड मेड फॉर जिम, देखो इट हैड मेड, इट ने बनाया था, अभी इट ने जिम के लिए नहीं बनाया था, ये जिम के लिए बनी थी, ये नहीं कि जिम के लिए बनाया था। तो दूसरा आते हैं इट हैड बीन मेकिंग, अब हैड बीन मेकिंग तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, उसका भी तो कोई तुक नहीं बन रहा, सिंस फॉर के बाद कोई टाइम थोड़ी आया है, ये तो जिम आया है।
इट हैड बीन मेड पास परफेक्ट का पैसिव वॉइस आ गया, इट को बनाया गया था जिम के लिए, ये नहीं कि इट ने जिम के लिए बनाया था, इट को जिम के लिए बनाया गया था। देखो इट कोई पर्सन नहीं है, पर्सन के लिए लिविंग बींग्स के लिए हम इट यूज नहीं करते, आपको आप ही शी इट या दे या यू यूज करते हैं, तो इट तो नॉन लिविंग है, ये तो नहीं कि नॉन लिविंग ने बनाया था, इट हैड मेड, तो अल्फा हमारा मीनिंग वाइज ही गलत है कि इट ने बनाया था, इट हैड बीन मेड, इट को बनाया गया था। और आपको पता है आपने लेसन पढ़ा हुआ है तो ये उस गोल्ड वॉच चेन की बात हो रही है जो डेला ने जिम के लिए खरीदी थी, तो इट हैड बीन मेड, ये जिम के लिए बनाई गई थी। और नेक्स्ट आते हैं फॉर जिम, जिम के लिए, सिंस क्यों आना जी, सिंस तो टाइम के साथ आता होता है, अगर आगे तो जिम में टाइम तो नहीं है, ये फॉर भी जो आया ये टाइम वाला फॉर नहीं आया, ये सिर्फ जिम के लिए आया, तो 131 में हमारा चार्ली ही गलत है सारे क्लूज के अंदर। 132 आ जाते हैं, ये बहुत ही आसान था, 132 में हमारे पास जो मसला है एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन बीइंग इंट्रोड्यूस, बीइंग केला नहीं आ सकता जी, बीइंग के पीछे हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, इज बीइंग इंट्रोड्यूस, वाज बीइंग इंट्रोड्यूस, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इज बीन भी गलत है, आपने पढ़ा था ना वॉज वर्ग के साथ बीन नहीं, बीन तो आपने पढ़ा हैज हैव के अलावा कहीं आ ही नहीं सकता बीन के, तो इज के साथ भी नहीं आ सकता। हाँ इज बीइंग आ सकता है पैसिव वॉइस, इज बीइंग इंट्रोड्यूस प्रेजेंट कंट्रीज का पैसिव वॉइस। और डेल्टा में क्या गलती है, एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन हैज बीइंग, अब हैज हैव के साथ तो बीन होता है, बीइंग तो नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत है, तो कॉम्बिनेशन गलत है जी। आज का सेकेंड लास्ट 134 में फेमिन हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, स्टार्टिंग टाइम है, फॉर नहीं लेना जी, फॉर द बिगिनिंग ऑफ टाइम, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ टाइम हमारा स्टार्टिंग टाइम है, हमें बिगिनिंग ऑफ टाइम से ड्यूरेशन नहीं मिली कि कितने साल गुजर गए, हमें ये पता लग गया कि ये कब से शुरू हुआ मसला, कब शुरू हुआ जी, जब से लोग वक्त को जानते हैं, जब से क्लॉक टाइम, जब से कैलेंडर मेजर करना शुरू किया गया, तब से फेमिन एक मसला रहा है जी, तो स्टार्टिंग टाइम मिला है, ड्यूरेशन नहीं मिला, हम सिंस यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे, फॉर दोनों में गलत है, फेमिन सिंगुलर है तो हैव नहीं आना, और डेल्टा में फेमिन के साथ हैज तो ठीक है पर बीइंग नहीं ना आना, आपने पढ़ा ना हैज हैव के साथ बीइंग होता है, बीइंग नहीं होता। 135 पे आती अ न्यू होटल इज बीइंग बिल्ट, बिल्कुल ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, के टाउन के शहर के सेंटर में एक नया होटल तामीर किया जा रहा था, अल्फा क्या है, अ न्यू होटल इज बिल्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड, होटल इज बिल्ट, अब होटल इज बिल्ट है, होटल तामीर किया जाता है सेंटर ऑफ द टाउन में, मुझे बताइए कि जो नया होटल है वो सेंटर ऑफ द टाउन में शहर के मरकज में तामीर किया जाता है, ये तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन होते हैं, इसका मतलब है जो भी नया होटल बनता है वो शहर के मरकज में बनता है, क्या ऐसा ही होता है जी, हैबिट ही होती है कि नया होटल शहर के मरकज में बनाना होता है और पुराने होटल शहर के बाहर बनाने होते हैं, बंदा पूछे अगर बनाने होते हैं तो वो शहर के बाहर क्यों बनाने होते हैं, ये नया होटल हमेशा शहर के सेंटर में क्यों बनता है, तो क्या जुमला रिडिकुलस नहीं होगा, मीनिंग खराब हो गया ना, कि नया होटल जो है एक नया होटल शहर के मरकज में तामीर किया जाता है, मतलब जब भी नया होटल बनता है वो शहर के मरकज में बनता है, तो शहर के इर्द गिर्द क्यों नहीं बन सकते जी, हाँ एक नया होटल बन रहा है शहर के मरकज में, अब ये हैबिट नहीं रही, मतलब ये कोई एक ही होटल है जो बन रहा है, और अगर मैं अल्फा में आऊं तो हर होटल ही शहर के मरकज में बनता है, भाई ये क्या हुआ, इर्द गिर्द क्यों नहीं बनते जी। और चार बीटा में क्या गलती है, अ न्यू होटल इज बिल्डिंग एक्टिव वॉइस, आई एम बिल्डिंग, मैं तामीर कर रहा हूँ, होटल इज बिल्डिंग, होटल तामीर कर रहा है, ये क्या हुआ जी, होटल कैसे तामीर कर सकता है, हमें पैसिव वॉइस ही चाहिए। और डेल्टा में भी गलती है, होटल बिल्ट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, आई बिल्ट मैंने तामीर किया, होटल बिल्ट होटल ने तामीर किया, अभी होटल ने कैसे तामीर किया, या तो लगा देते होटल वाज बिल्ट, होटल तामीर किया गया था, तो ए होटल वाज बीइंग बिल्ट, होटल तामीर किया जा रहा था, होटल इज बीइंग बिल्ट, होटल तामीर किया जा रहा है, तो हमें पैसिव वॉइस चाहिए कोई भी लगा रहे हो, ठीक हो गया जी। तो दैट इज वाई हमारा अल्फा भी गलत, बीटा भी गलत और डेल्टा भी गलत, तो चार्ली इज आवर आंसर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इट हियर एंड आई वुड डेफिनेटली आंसर यू जी, थैंक यू वेरी मच।